हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवली और आप सबका स्वागत है मेरी किचन में। आज हम बनाएंगे बैंगन और मेथी की सब्जी। ये बिल्कुल सूखी सब्जी नहीं है, थोड़ी सी ग्रेवी है। सिंपल सी रेसिपी है लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार है। चलिए फिर झटपट रेसिपी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने एक गड्ढी मेथी की आधी ले ली, मतलब आधी गड्ढी मेथी है, और अच्छे से धोकर पानी झड़ा कर फिर बारीक बारीक काट लिया है। आप देख सकते हैं जितना बारीक हो सका उतना बारीक मैंने काट लिया है। और ये है हमारा बैंगन, 150 ग्राम जितना बैंगन, छोटे साइज के बैंगन है, बड़े बैंगन भी ले सकते हैं आप। और इनको मैंने काट कर पानी में भिगो कर रखा है। अब चलिए कढ़ाई में तेल डाल देते हैं। थोड़ा सा तेल डाला है मैंने और इस तेल में हम बैंगन को फ्राई करेंगे। तो पानी में से निकाल कर बैंगन को डाल दिया मैंने। और अभी हम बैंगन को फ्राई करते हुए नमक नहीं डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और फ्राई कर लेंगे। फ्राई करेंगे तब तक जब तक कि ये आधा अधूरा कुक नहीं हो जाता, मतलब 50% तक कुक नहीं हो जाता। देखिए दोस्तों, 50% कुक हो चुका है, आप देख सकते हैं, देखकर समझ आ रहा है। तो अभी मैं निकाल ले रही हूँ, निकाल कर मैंने दूसरे प्लेट में ले लिया है। और अभी हम इस कढ़ाई में बाकी के प्रोसेस कर लेंगे। तो अभी हम ग्रेवी के लिए तेल डाल रहे हैं, तो ज़्यादा कम अपने पसंद के हिसाब से डाल लीजिए। और तेल गर्म होने के बाद हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून जीरे और 1/2 टीस्पून सरसों। जीरे और सरसों को अच्छे से चटकने देना है, सरसों को बहुत अच्छे से चटकने देना है, नहीं तो स्वाद कड़वा हो जाता है। तो अच्छा गर्म तेल में ही सरसों डालना है। तो अभी हम डाल देंगे लहसुन, यहाँ पर 8-10 कलियाँ लहसुन है, बारीक बारीक कटे हुए। लहसुन फटाफट भून जाता है तो बिल्कुल भी लेट नहीं करना है, 2-3 सेकंड में ही हम यहाँ पर प्याज डाल देंगे। आप प्याज और लहसुन आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर मैंने एक ही प्याज लिया है, बड़े साइज़ का। और प्याज के साथ साथ हम स्वादानुसार नमक डाल देंगे तो प्याज जल्दी जल्दी भून जाएगा। जितना नमक सब्जी में चाहिए पूरा नमक हम यहीं पर डाल देंगे। बैंगन में हम नमक नहीं डाला था तो इसीलिए पूरा नमक यहाँ पर डाल के हम भून लेंगे जब तक कि प्याज का कलर ब्राउन हो जाए। आप देख सकते हैं ब्राउन होने लगा है। तो अभी हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। मैंने एक बड़ा साइज़ का टमाटर लिया था और उसको बारीक बारीक काट लिया था, डाल दिया मैंने। थोड़ा सा चला लेते हैं। और टमाटर डालने के बाद हमें मसाले भी डालने हैं। तो मसालों में सबसे पहले डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून जितना, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून डालेंगे अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर ना हो तो इसको स्किप करें, नींबू का रस बिल्कुल ना डालें। तो इसके साथ साथ डालेंगे हम 1/2 टीस्पून गरम मसाला। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाला है और थोड़ी सी हरी मिर्च कटी हुई डाल रही हूँ, स्वाद के हिसाब से डाल लिया मैंने। आप सिर्फ मिर्ची पाउडर या सिर्फ हरी मिर्च भी डाल सकते हो। थोड़ा सा पानी डाल के भून लेंगे, पानी डालने से मसाला जलेगा नहीं और अच्छे से भून जाएगा। थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको ढक ढक कर पकाएंगे, हीट को मीडियम पर रखेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में ढक्कन हटाकर चेक ज़रूर करना है और चला देना है। तो देखिए दोस्तों, ऊपर से तेल दिखने लगा है, मतलब मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है। तो अभी हमें ग्रेवी के लिए पानी डालना है। चाहे तो आप टमाटर को ऐसे मैश कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, दिखने में बहुत बढ़िया दिखता है। तो अभी हम ग्रेवी के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि बैंगन हमने आधा कुक करके रखा है और मेथी की भाजी कुक होने में बिल्कुल 5-6 मिनट टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना है। तो इसीलिए ग्रेवी को सुखाने का टाइम नहीं मिलेगा। तो देखिए, मैंने थोड़ी देर के लिए ढक दिया था, अच्छा सा उबाल आ चुका है। अभी हम इसके अंदर बैंगन और मेथी दोनों ही डाल देंगे। तो देखिए, बैंगन मैंने डाल दिया है जो भून कर रखे थे, और मेथी की भाजी भी यहाँ पर डाल देंगे। मेथी यहाँ पर ज़्यादा ना ले, बहुत ज़्यादा डालने से स्वाद खराब हो जाता है। तो बैंगन के हिसाब से थोड़ा ही मेथी ले, जितना बैंगन है उतना ही मेथी ले सकते हैं। ढक देते हैं, ढक देने से मेथी जल्दी नरम हो जाएगी। तो देखिए, थोड़ी देर में मेथी बिल्कुल नरम नरम दिख रही है। अभी थोड़ा चला देंगे, मिक्स कर देते हैं अच्छे से। और अभी हमें बिल्कुल 5-6 मिनट के लिए पकाना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना है। तो ढक ढक कर कुक कर लेते हैं, मेथी बहुत ही जल्दी कुक हो जाती है और इतने देर में बैंगन भी हमारा बहुत अच्छे से गल जाएगा। देखिए दोस्तों, 5 मिनट हो चुका है
और मेथी भी अच्छे से गल चुकी है और बैंगन भी अच्छे से गल चुका है। अभी निकालने से पहले हम डाल देंगे थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया। नमक ज़रूर चेक कर लीजिए, अगर लगता है तो थोड़ा सा डाल दीजिए। मिक्स कर देंगे। अगर आप मेथी को मीडियम हीट में 5-6 मिनट के लिए पकाएंगे तो मेथी बिल्कुल भी कड़वी नहीं होगी। यहाँ पर हमने आमचूर पाउडर डाला था तो उस स्वाद को बैलेंस करने के लिए और मेथी में अगर थोड़ा भी कड़वापन बचा है उसको ख़त्म करने के लिए हम थोड़ा सा शक्कर डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, 1/2 टीस्पून या तो उससे भी कम। तो अच्छे से मिला लेते हैं थोड़ा सा और हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं बहुत ही टेम्पटिंग दिख रही है। अगर आपने आमचूर पाउडर नहीं डाला तो शक्कर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिक्स कर लिया मैंने, अभी और कुछ काम नहीं है। हीट बंद कर देंगे और गर्मा गर्म मेथी और बैंगन की सब्जी को हम सर्व करेंगे। आपने देखा दोस्तों कितनी आसान रेसिपी है, बिल्कुल झटपट तैयार हो जाती है, लेकिन खाने में ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप रोटी के साथ खाइए, नहीं तो चावल के साथ खाइए, और चाहे तो आप ज्वारी बाजरे की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करें दोस्तों, और ट्राई किया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। आज के लिए यहाँ तक ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए सेफ रहे, स्वस्थ रहे और खाते रहे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।